हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के प्रयोग का पूरी तरह से असंभव परिणाम है? ऑप्शन दिया गया है 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट प्लांट, ऑप्शन बी है 24 टॉल एंड 8 शॉर्ट प्लांट्स, ऑप्शन सी है 8 टॉल एंड 0 शॉर्ट प्लांट्स, या फिर ऑप्शन डी होगा 4 टॉल प्लांट्स एंड 1 मीडियम हाइट प्लांट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 टॉल प्लांट्स एंड 1 मीडियम हाइट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधा निष्कर्ष नहीं है जो मेंडल के प्रयोग से लिया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया गया है ओनली वन पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ऑप्शन बी है 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है फॉर रिसेसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल, या फिर ऑप्शन डी होगा नेचुरल सिलेक्शन कैन एल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन कैन एल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज ए पॉसिबल प्रोगेनी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रेड टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ व्रिंकल सीड्स। क्वेश्चन है, राउंड सीड के साथ प्योर ब्रेड के लंबे पौधे और झुर्रीदार बीजों के साथ छोटे पौधे में एक संभव संतान इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, ऑप्शन बी है टॉल प्लांट विथ व्रिंकल सीड्स, ऑप्शन सी है शॉर्ट प्लांट विथ राउंड सीड, या फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। DNA का कौन सा सेक्शन एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए दिया गया न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है ट्रेट, या फिर ऑप्शन डी होगा जीन। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाई जीन्स। निम्नलिखित में से कौन जीन द्वारा नियंत्रित नहीं है? तो इसमें 1 नंबर में दिया गया वेट ऑफ ए पर्सन और 2 नंबर में दिया गया हाइट ऑफ ए पर्सन। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है ए नंबर क्या सिर्फ 1 सही है, या फिर ऑप्शन बी होगा ओनली 2 सही है, या फिर ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी होगा कभी 1 सही होगा और कभी 2 सही होगा, समटाइम्स 1 एंड समटाइम्स 2। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली टू वाला सही है, यानी हाइट ऑफ ए पर्सन इसका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोगेनी विल बी ए बॉय। क्या संभावना है कि पुरुष संतान लड़का होगा? ऑप्शन ए दिया गया है 50%, ऑप्शन बी दिया गया है 56%, ऑप्शन सी है 47.43%, या फिर ऑप्शन डी होगा इट वेरीज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 50%। आइए क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7 को। हु हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोसोम्स की एक सही जोड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए दिया गया है गर्ल्स ओनली, ऑप्शन बी दिया गया है बॉयज ओनली, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, या फिर ऑप्शन डी इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्ल्स ओनली। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, होमोलोगस ऑर्गन है इनमें से क्या है ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, ऑप्शन बी है डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ऑप्शन सी है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, या फिर ऑप्शन डी होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए जायगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड विद द फादर विल डेवलप इनटू ए। क्वेश्चन है, एक जायगोट जिसमें पिता से विरासत में मिला एक्स क्रोमोसोम्स है, इनमें से किसमें विकसित होगा ये हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है बॉय में, ऑप्शन बी है गर्ल, ऑप्शन सी है एक्स क्रोमोसोम्स डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, या फिर ऑप्शन डी होगा आइदर बॉय और गर्ल। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, गर्ल।
आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस बाई नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवेन बाई, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए दिया गया मेंडल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है मॉर्गन, या फिर ऑप्शन डी होगा लैमार्क। इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डार्विन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जायगोट ऑफ ह्यूमंस इज, मनुष्यों के जायगोट में सेक्स क्रोमोसोम्स की जोड़ियों की संख्या इनमें से क्या होगी, 1, 2, 3 या 4? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ वेरिएशन इज इनहेरिटेड, किस प्रकार की भिन्नता विरासत से हम लोग को मिली है? तो ऑप्शन ए दिया गया है सोमैटिक वेरिएशन, ऑप्शन बी है जर्मिनल वेरिएशन, ऑप्शन सी है बोथ सोमैटिक एंड जर्मिनल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मिनल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 को। विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड ए बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, एक इंसेक्ट और एक बर्ड के पंख इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है एनालोगस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन सी है होमोलोगस ऑर्गन्स, या फिर ऑप्शन डी होगा एनालिटिक ऑर्गन्स। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 14। ए ट्रेट इन एन ऑफस्प्रिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वंश में इनमें से क्या एक गुण से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दिया गया डीएनए ऑफ मदर गैमेट, ऑप्शन बी है डीएनए ऑफ फादर गैमेट, ऑप्शन सी है बोथ डीएनएज ऑफ फादर एंड मदर गैमेट, या फिर ऑप्शन डी होगा नाइदर ऑफ मदर नॉर फादर गैमेट डीएनए। इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ डीएनएज ऑफ फादर एंड मदर गैमेट। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दिया गया एनालोगस ऑर्गन, ऑप्शन बी है वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन सी है होमोलोगस ऑर्गन, या फिर ऑप्शन डी होगा एनालिटिक ऑर्गन। इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, गैमेट्स सेल्स आर, युग्मक कोशिकाएं क्या होती है इनमें से हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है डिप्लॉयड, ऑप्शन बी है हैप्लॉयड, ऑप्शन सी है आइदर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैप्लॉइड। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, क्वेश्चन है जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रायोगिक रूप से प्रदर्शन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया ऑपेरिन में, ऑप्शन बी है ओमिलर एंड उरे ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, या फिर ऑप्शन डी होगा डार्विन में। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलर एंड यूरे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स का अध्ययन क्या है? ऑप्शन ए है रिसेम्बलेंसेज अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है डिफरेंसेस अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, या फिर ऑप्शन डी होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए दिया गया स्टडी ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऑप्शन सी है स्टडी ऑफ फर्टिलिटी, या फिर ऑप्शन डी होगा स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एक लास्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनमें से क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑल F1 प्रोगेनी वेयर टॉल, ऑप्शन बी है F2 प्रोगेनी 1/4 वेयर शॉर्ट और 3/4 वेयर टॉल, ऑप्शन सी है राउंड येलो सीड्स, या फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, राउंड येलो सीड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।